तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छा तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज योर ग्रुपिंग मेथड। तो क्या विषय देखा आज वीडियो में ग्रुपिंग मेथड विषय देखा है। तो ग्रुपिंग मेथड कौन तो तार रिलेटेड किसी एग्जांपल्स करके तुमको देखेबी कि ग्रुपिंग मेथड कौन तो तार रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन आसो है। तो पूर्व मुझे समस्त कहीदेव चाहे कि आम ऑनलाइन रे सब तुम बीएससी रो फिजिक्स ऑनर्स मैथ ऑनर्स रो सब डिटेल्स रे क्लास होची। फर्स्ट तुम सेकंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर सिक्स सेमिस्टर रो क्लासेस चलती। तो जो मैंने ग्रुप रे जॉइन होवा चाहौचो आउ विदाउट ट्यूशन आउ विदाउट कोचिंग रे घरे बसी सब किछ कोर्स करया कंप्लीट करया चाहौचो आराम से तुम एई नंबर को कांटेक्ट करो 9040607886 है ला? तो ये नंबर कांटेक्ट करी तुम ग्रुप रे जॉइन हो आ आराम से सब टॉपिक को तुम कवर कर पारियो है। आमर ओनली केते 300 नि हाउ गोटे पेपर को केते पिले 300 बुझ पाला। तो आराम से घरे बसी सब टॉपिक को तुम कवर कर पारियो है। चलो एबे टिके देखिबा ग्रुपिंग मेथड कौन है। देख टे ध्यान से बुझ द एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म रे था एम कौन कहते एम डी कौन रहा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म रे था है। तो अच्छी हमारे एक्जाक्ट डिफरेंशियल कौन अच्छी एम एक्स कौन रहा एम एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई ये रहा तुम्हारे एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एक्जाक्ट मेथड सॉल्व करू है। तो ताको हमें गोटे अल्टरनेट मेथड सॉल्व करें दैट इज योर ग्रुपिंग मेथड है। तो एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तुम जानो कमी आम एम कैलकुलेट करा जाए एन कैलकुलेट करा जाए तर एक्जाक्ट चेक करा जाए है। एक्जाक्ट जब एक्जाक्ट अच्छी क्वेश्चन तो ताको हमें सॉल्व करू जब एक्जाक्ट ना ताको आई एफ मेथड जाकि सॉल्व करू है। किंतु तार गोटे अल्टरनेट मेथड अच्छे जोटा कि आम बिना एक्जाक्ट मेथड यूज करके बिना तार प्रोसेस को यूज करके आम ग्रुपिंग मेथड में सॉल्व कर पार है। तो सही जिनस कही द एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग ग्रुपिंग टर्म्स वी कैन यूज सॉल्व बाय यूजिंग ग्रुपिंग टर्म और ग्रुपिंग मेथड इन सच ए वे दैट इट इज लेफ्ट इट्स लेफ्ट मेम्बर appears as the sum of the certain exact differential hala to dekho kon koichi the left member is the kon koichi its left member means left side to dekhi parto mo ei form re likhi chi tedo kon the left member this is your right member hala left member appears as the sum of certain exact differential to dekho pile jemti जी तुम कौन अच्छी एक्स डी प्लस वाई डी एक्स तो तुम आराम से कौन लिख पार डी अफ एक्स वाई कौन लिख पार बोले डी अफ एक्स वाई तुम लिखिपार है। तो मन रखीद ये सब टर्म गुड़ा मन रखीद मुझे तुमको कितना छःटा सतट एक्जामपल देती तो ये टर्म गुड़ा मन रखीद कहीं जहाँ भी क्वेश्चन आसो ये टर्म भितर हिं आम कम्प्लीट हो बुझा। तो यदि कौन अच्छी रईट सैड्रे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अच्छी तो आम कौन लिखिपर डी अफ एक्स वाई लिखिपर कौन लिखिपर डी अफ एक्स वाई लिखिपर जदि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बै वाई स्क्वयर अच्छे जगह लिखिपर डी अफ एक्स वाई वाई लिखिपर जदि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बै एक्स स्क्वयर अच्छी तो डी अफ मीन डेरिवेटिव अफ वाई बै एक्स लिखिपर सिमिलरली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बै एक्स स्क्वयर प्लस वाई स्क्वयर तो यही फर्म रे थे तो आम कौन लिखिपर डी अफ कैसे वन बै टू लग एक्स स्क्वयर वाई स्क्वयर लिखिपर नेक्स्ट कौन अच्छी माइनस जदि कौन अच्छी माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एक्स स्क्वयर वाई स्क्वयर अच्छी तो डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स वाई लिखिपर है बुझिपाल पे तो कौन अच्छे जो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बै एक्स वाई अच्छी तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वाई वाई लिखिपर आउ लास्ट वन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बै एक्स स्क्वयर प्लस वाई स्क्वयर को आम डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स लिखिपर कमी देख पे कमी है गोटे खाली एक्जामपल देखा दूसरे देख पे जब आम करूँ डेरिवेटिव ऑफ को मुझे तुमको कहली एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई कौन के पे डेरिवेटिव मुझे तुमको एक्स वाई कौन तो कौन पड़ो ये इंटू फॉर्मूला पड़ो तो कौन लिखे पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये फॉर्म कौच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है। तो देख पे ताकू के लिखिपर पे देख है तो या फॉर्म रे लिखले एक्स या कौन लिखली तुम एक्स ये रहा तुम डी वाई एक्स रहा तुम डी वाई है उपर टर्म टाइम लिखुचे है कहीं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अच्छे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अच्छे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को एलिमिनेट भावने करुँचे तो भावी मुझे आपको कनसीडर करूनी है। तो तुम यदि डी एक्स को कनसीडर करून कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को मुझे कनसीडर करूनी है तुम सर्टकट फर्म्रे कम लिखिपर वाई डी एक्स बुझिपाल बोले जब मुझे डी वाई डी एक्स को कनसीडर करूनी ये तरह सर्टकट फर्म ये एक्चुअल फर्मुला नुहटे सर्टकट फर्म्रे है तेल कौन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स कौन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बुझ पाल। तो या डेरिवेटिव कले कौटा आसला यही टर्मटा आसला जब या डेरिवेटिव कले यही टर्म आसूसी तो या ग्रुपिंग कले कौन आसो यही टर्मटा आसो तो से ही फर्म्रे लिखाई जब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अच्छी तेल कौन लिखिपर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखिपर कौन पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई तुम लिखिपर बुझिपाल पे तो ये हूँ तुम ग्रुपिंग मेथड्र फर्म है। तो यही फर्म्रे आम आगे बहुत सारा क्वेश्चन करवा जमी जहाँद्वारा कि तुम पूरा डाउट कनसेप्ट क्लीयर होगा। तो फटाफट टी नोट डाउन कर दिव्य मुझे या रिलेटेड किसी एक्जामपल्स करी जहाँद्वारा तुम कनसेप्ट क्लीयर हो।
तो देख पे क्वेश्चन केमी देखिए कि सल्व करा देख है तो देखिए सल्व बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड है कौन देखिए टू एक्स सैन वाई प्लस वाई क्यू इट दुआर एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर कस वाई प्लस थ्री वाई वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो तो ग्रुपिंग मेथड सल्व करा तो कमी करवा देख पे तो मुझे कौन कली देख है यार रहा फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट लिखी दियो टू एक्स सैन वाई प्लस वाई क्यू इट दुआर एक्स होल डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कस वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इट द पार एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो है मुझे कौन कर ग्रुपिंग करुच्छे देख बोले मुझे कौन करुच्छे फर्स्ट टाक लास्ट सहित ग्रुपिंग कली कहीं कल तुम धीरे धीरे बुझीज देख धीरे धीरे तुम कलापर भी क्वेश्चन जाज है तो मुझे ये दुटा को ग्रुपिंग करुच्छे टू एक्स सैन वाई प्लस एक्स स्क्वायर कस वाई है लिखिपर पे डी अफ है कौन लिखिपर पे डी अफ डेरिवेटिव अफ कौन लिखिपर पे एक्स स्क्वायर सैन वाई लिखिपर टे ध्यान से देख ल एक्स स्क्वायर सैन वाई टे ध्यान से देख एक्स स्क्वायर इंटू सैन वाई मतलब डेरिवेटिव अफ एक्स स्क्वायर इंटू सैन वाई तो मुझे देखो खोलिकी लिखुचे कौन पे इंटू फर्मुला कले कहते हैं पे तुम जो डेरिवेटिव करुच डी वाई डी एक्स अफ एक्स स्क्वायर इंटू सैन वाई तो कौन पे तुम फर्स्ट डेरिवेटिव अफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव अफ फर्स्ट तो कैसे हूँ एक्स स्क्वायर सैन वाई रुम कस वाई सैन वाई रुम के कस वाई प्लस सैन वाई रुमर के कस वाई प्लस यहाँ सैन वाई आईटा टू एक्स है तो कैसे अच्छे बोले तुम देख एक्स स्क्वायर कस वाई अच्छे ना एक्स स्क्वायर कस वाई प्लस टू एक्स सैन वाई टू एक्स सैन वाई बुझ पाल तो एटा को आम आराम से यहाँ लिखिपर मीनस यार डेरिवेटिव हूँ यहाँ तो आम एक ग्रुपिंग करके ये मेथड में लिखल बुझ पाल पे तो या को ही कहते ग्रुपिंग करवा बुझ पाल तो मुझे यहाँ को कंबाइन करके यहाँ लिखी बुझ पाल पे ये गला गोटे फास्ट पार्ट ये गला तुम फास्ट पार्ट है चलो फटाफट नोट डाउन करदे सेकेंड सेकेंड टाक देखे चल तो कौ गोटा फास्ट कल फास्ट आउ थर्ड को कली एवं सेकेंड आउ फोर्थ को देख कौन दे पे तुम वाई क्यू इट द पार एक्स वाई क्यू इट द पार एक्स कौन अच्छे डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर इट द पार एक्स डी वाई है या को देख पे मुझे लिखुचे ये डी अफ है तो वाई क्यू अच्छे वाई स्क्वायर अच्छे तो बड़ टर्म कौटा वाई क्यू तो वाई क्यू इंटू इट द पार एक्स देख वाई क्यू इंटू इट द पार एक्स तो जैसे मुझे यहाँ डेरिवेटिव करुच्ची है इंटू फर्म पकाउे तो यहाँ आसीज है देख फर्स्ट कौन लिखे कह या इंटू फर्म पकाओ तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो वाई क्यू इट द्वार एक्स रट द्वार एक्स प्लस इट द्वार एक्स वाई क्यू री वाई स्क्वायर बुझिपाल पे थ्री वाई स्क्वायर ठीक अच्छे तो आसूचे ना वाई क्यू इट द्वार एक्स देख वाई क्यू इट द्वार एक्स आठ कौन अच्छी इट द्वार एक्स थ्री एक्स स्क्वायर इट द्वार एक्स थ्री एक्स स्क्वायर ये डी वाई तुम यहाँ कहीपर डी वाई है ये किसी नहीं मतलब डीएक्स कहींपर कि नहीं मतलब तुम कौन कर डीएक्स कहींपर बुझ पाल तो ये टर्मटा अच्छे तो से टर्म को कंबाइन करी कौन लिखिपर यहाँ लिखिपर बुझ पाल पे तो डी अफ एक्स स्क्वायर सैन वाई डी अफ वाई क्यू कौन वाई क्यू इट द्वार एक्स है टोटाल टर्म को मुझे कमी लिखिपर पे तो टोटाल टर्म को कमी लिखिपर है तो टोटाल टर्म को कमी लिखिपर आम है ना वी हाव तो कौन लिखिपर पे डी अफ एक्स स्क्वायर सैन वाई प्लस डी अफ वाई क्यू इट द बार एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ थी क्वेश्चन तुम है यहाँ थी क्वेश्चन ताको दे दिव भावनीय इक्वेशन नंबर वन देखिए इक्वेशन नंबर टू या देखे इक्वेशन नंबर टू है बुझ पाल पे यहाँ मुझे कौन कली ग्रुपिंग मेथड में एमती करके लिखिली है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कौन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करो है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन वाई है एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस डेरिवेटिव वाई क्यू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कौन अच्छे जीरो रो इंटीग्रेशन के पे सी है तो ये जो इंटीग्रेशन कर तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कटिज तो रोक केते एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस वाई क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर बुझ पाला पे ये तुम्हारा सर फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस इट द्वार एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू इट द्वार एक्स इज इक्वल टू सी ये तो ये है तुम्हारा फर्स्ट ग्रुपिंग मेथड क्वेश्चन है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझ पार तो फटाफट नोट डाउन कर दिव पे तो नेक्स्ट एग्जांपल देख पे गोटे बढ़िया क्वेश्चन टा दे तो यहाँ देखिए क्वेश्चन तो फर्स्ट सल्यूशन तो कौन कर दिव फर्स्ट खोली दि एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई
प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कौन कहली मुझे खाली ब्राकेटा खोलदेली आ मल्टीप्लाई करदेली है एवं देख पिले गोटे जिनस मार्क कर ये देख एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है तो ये आम कौन अच्छे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स तो मुझे ये दुटा को कंबाइन करुच्ची है तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स या को कंबाइन कर डी अफ एक्स वाई लिख पारि कौन लिख पारि प्ले डी अफ एक्स वाई लिखाई है ये एक्स डी वाई एक्स सहित यदि डी वाई अच्छी वाई सहित यदि डी एक्स अच्छी तेल कौन लिख पार डी अफ एक्स वाई तो कौन लिख ली अफ एक्स वाई है तो फास्ट बनीगला है तो ये रहा फास्टा बनीगला है नेक्स्ट किए बचा पे देख वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो यही टाइप जो थी ध्यान से देख पे जदि एक्स सहित डी वाई थी वाई सहित डी एक्स था तुम डी अफ एक्स वाई लिखदल ठीक अच्छे एक्स सहित कौन अच्छी वाई अच्छी डी वाई मतलब वाई आउ वाई सहित डी एक्स अच्छी मतलब एक्स अच्छी तेल डी अफ एक्स वाई लिखदल कि कौन अच्छी पे देख हमारा एक्स स्क्वायर सहित डी वाई अच्छी आउ वाई स्क्वायर सहित डी वाई अच्छी मतलब वाई सहित वाई अच्छी एक्स स्क्वायर सहित डी एक्स अच्छी तो एक्स सहित एक्स अच्छी यही सिचुएशन कौन कर एमती किसी लिख डेरिवेटिव मुझे एमती किसी लिखी जहाँ को डेरिवेटिव कले कौन आसो यहाँ आसो जहाँ को डेरिवेटिव कले कैसे आसो बोले यहाँ आसो तो इमाजिन कर है जो मुझे डेरिवेटिव कौन नौ बोले वन बै थ्री वाई क्यू नौ वन बै थ्री वाई क्यू टे दिमाग लगे पड़े ये तो वाई क्यूरो डेरिवेटिव कैसे आसो बोले थ्री एक्स वाई क्यूरो वन बै थ्री रहा वन बै थ्री कन्स्टाट वाई क्यूरो डेरिवेटिव थ्री वाई स्क्वायर थ्री थ्री कटिगला कैसे आसला वाई स्क्वायर आसला कैसे आसला वाई स्क्वायर आसला तो से ही हिसाब से माइनस ये कौन करवा कौन कर तुम वन बै टू है नहीं जाओ एक्स क्यू वन बै टू एक्स क्यू ठीक अच्छे पे वन बै टू एक्स क्यू तो देख पे या डेरिवेटिव कले एटा आसूँ वन बै थ्री वाई क्यू डेरिवेटिव कले वन बै थ्री तो वन बै थ्री कन्स्टाट वाई क्यूरो डेरिवेटिव थ्री वाई स्क्वायर थ्री थ्री कटिगला कैसे रहा वाई स्क्वायर है ये वन बै टू अच्छी वन बै टू है वन बै टू रहा है नेटा भी वन बै थ्री निन बै थ्री निन बै थ्री नी वन बै थ्री एक्स क्यूरो डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री थ्री कटिगला तो कैसे रहा एक्स स्क्वायर रहा है मुझे कहीपरि यार डेरिवेटिव होटा तो मुझे सिंपली कौन लिख पारि पे तो सिंपली आम कौन लिख पार पे है तो यही टर्मटा को कंबाइन कले आम कौन बनुच्छे यहीटा बनुच्छे कौन बनला तुम डी अफ वन बै थ्री वाई क्यू माइनस वन बै थ्री एक्स क्यू है या दूसरी मुझे टू बुझा पे तो यही टाइप टिके स्ट्राटेजी यूज कराया पड़ो तो मुझे कौन देखी फास्ट एक्स डी वाई वाई डी एक्स अच्छी तो ताको मुझे देखिली एक्स डी वाई वाई डी एक्स अच्छे डी अफ एक्स वाई तो लिखिदेली डी अफ एक्स वाई फास्ट आगेगा डी अफ एक्स वाई कौटा फास्ट अफ थर्डटा को नीली एवं सेकेंड अफ फोर्थरा देख सेकेंड अफ फोर्थरा कौन था वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स तो ये सेम सहित सेम थी मतलब वाई वाई स्क्वायर सहित वाई थी एक्स स्क्वायर सहित एक्स थी तेल एमती फर्म लिखे जमी जहाँ डेरिवेटिव कले ये आसा दरकार है तो वन बै थ्री वाई क्यूरो डेरिवेटिव कैसे आसो या डेरिवेटिव कले कैसे आसो कैसे हो पे वन बै थ्री वाई क्यूरो थ्री वाई स्क्वायर तो थ्री थ्री कटे कौन आई स्क्वायर आसला सिमिलरली ये से आसो तो डी अफ वन बै थ्री वाई क्यू माइनस वन बै थ्री एक्स क्यू ठीक अच्छे पे चल आम दुटा मिलगला कंबाइन कर लिख तो डी अफ एक्स वाई प्लस डी अफ वन बै थ्री वाई क्यू माइनस वन बै थ्री एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो नाउ यू देदेव इक्वेशन नंबर थ्री है नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो या कौन कर इंटीग्रेट करवा सिंपल जमी नॉर्मल इंटीग्रेशन हुए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर है तो इंटीग्रेशन अफ डी अफ एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन अफ डी अफ वन बै थ्री वाई क्यू माइनस वन बै थ्री एक्स क्यू इज इक्वल टू कौन रहा जीरो तो जीरो रो इंटीग्रेशन करवा तो जेहेतु ये इंटीग्रेशन कले कौन हो पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कटिगला तो रहा के एक्स वाई एटा वन बै थ्री वाई क्यू माइनस वन बै थ्री एक्स क्यू ये कौन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कटिगला आ जीरो इंटीग्रेशन के प्लस सी तो ये तुम फाइनल आंसर है तो या कहते हैं ग्रुपिंग मेथड तो किसी नहीं ग्रुपिंग मेथड आम कौन करूँ खाली ग्रुप बनाऊ पेयरिंग बनाऊ बुझा पे खाली कौन करूँ सिंपली पेयरिंग बनाऊ है तो फटाफट नोट डाउन कर दिव पे तो देख पे आ गए लास्ट क्वेश्चन करवा कौन दे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू जीरो तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा तो देख पे कौन करवा तो ये पूरा आराम से सिक्वेन्सियाली देखिए फर्स्ट देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो है तो मुझे जस्ट टिकट आगे कही जदि एक्स सहित डी एक्स अच्छी वाई सहित डी वाई अच्छी तुमको एमती किसी लिखार अच्छी तो डेरिवेटिव एमती किसी लिखार अच्छी है
जहाँ को डेरिवेटिव कले ए टर्म आसो जमी एक्स अच्छी तो मुझे पीले वन बै टू एक्स स्क्वायर लिखुची ताले केते होची वन बै टू रहिला एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव केते पीले टू एक्स केते टू एक्स तो टू टू कटिगला केते आसची एक्स आसची बुझिपाल पीले एक्स आसगला ना तो एमती किसी लिखो जमी डेरिवेटिव कले ये आसो तो या डेरिवेटिव कले ये आसूस प्लस या भी कौन लिखी वन बै टू वाई स्क्वायर लिखी कौन लिखी वन बै टू वाई स्क्वायर ठीक अच्छे तेल ये टर्म को डेरिवेटिव कले ये आसूस बुझिपाल पीले तो फास्टा तुमको मिलगला फास्टा तो कौन है तुमको मिलगला ठीक अच्छे आ सेकेंडा तो पूरा डायरेक्ट फर्मुला ही अच्छी है तो ये गला कंप्लीट सेकेंडा देख पीले है तो ये कंप्लीट है तो कैसे मिलला यार डेरिवेटिव यार ये तुम कौन ग्रुपिंग टर्मटा के डीएक्स डीएक्स प्लस वाई डीएक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो तो डी अफ वन बै टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बै टू वाई स्क्वायर है सेकेंडा को देख ये टर्मटा कौन दे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बै एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्लीयरली दे देख ये टर्मटा तुम है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बै एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कार फर्मुला डी अफ सेटा कार फर्मुला डी अफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स रमुला बुझिपाल पीले तो ये मिलगला एटा मिलगला एटा मिलगला तो दुटा कौन कर कंबाइन कर प्लस कर दियो नाउ तो डी अफ वन बै टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बै टू वाई स्क्वायर प्लस डी अफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो कौन अच्छी इज इक्वल टू जीरो आम कौन कल या ग्रुपिंग करके ये लिखल या ग्रुपिंग करके ये लिखल जीरो आज इट इज रहा कौन कर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव वन बै टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बै टू वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो तो क्लियरली तुम जान डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कटिजी तो खाली आज इट इज रही है वन बै टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बै टू वाई स्क्वायर आज इट इज रहा एटी भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कटिगला तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर है आई होप स्टूडेंट तुम्हें आराम से डिटेल्स बुझीपार तो देखो स्टूडेंट जो सब जिन तुम्हें डिटेल्स पढ़ा चाहो आम ग्रुप से सब जिन पूरा नोट्स वीडियो पीडीएफ एवरीथिंग तुमको सब आराम से मिल जाव तो यही नंबर में कंटाक्ट करो 9040607886 है तो दुटा कोर को ओनली 600 रुपीज निहाँची है दुटा कोर अच्छी तो 300 कर गोटे गोटे पेपर तो आराम से तुम ग्रुप से जॉइन होकर सब जिन तुमको ना ट्यूशन जावा पड़ो ना कोचिंग जावा पड़ो घर बसिक सबकि कम्प्लीट हो बुझा पीले तो आम इनिशिएटिव स्टार्ट कराई कि एवरी स्टूडेंट है जब वीडियो भल लगे सब सांग सेयार कर जहाँद्वारा समस्त जापरतु कि बिना ट्यूशन में सबकि कोर्स कवर करेंगे बुझे पीले तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।